Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Anjali. In this video, I'm going to give you some update of my balcony garden. Guys, अगर आप मेरे regular subscriber हैं, then आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने अपने balcony में भी छोटी सी garden तैयार की है. तो गाइज़ आप सभी लोगों को आज उसी गार्डन का मैं अपडेट देना चाहूँगी. अब ये एकदम मैसी है क्योंकि मैंने इनकी अरेंजमेंट्स नहीं की थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अभी मेरे पास पॉट है. इतने सारे गमले हैं ना गाइज़ यहाँ पर कि मैं चाहकर भी मैं यहाँ पर मतलब कि खाली जगह मैं रख ही नहीं सकती, मतलब कि खाली जगह बना ही नहीं सकती. ये देखिए जगह की कमी होने की वजह से इस तरह से मेरी मम्मी की जो सिलाई मशीन है उसके ऊपर मैंने ये दो प्लांट्स रख दिए हैं. एक है फाइलोडेंड्रॉन एंड अनदर वन इज़ अ स्पाइडर प्लांट. सो ये देखिए फाइलोडेंड्रॉन की एक नई वैरायटी जो मैं ख़रीद कर लाई थी एंड जिसको मैंने आपको दिखाया भी था. गाइज़ ये मैं किसी के घर से चुरा कर लेकर आई थी. ये जो छोटा सा प्लांट आप देख रहे हैं एंड ये है एलोकेशिया की बल्ब. दिस इज़ अ प्रियर प्लांट गाइज, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है. दिस इज़ अ इशीवेरिया एंड हियर इट कम्स एलोकेशिया. एलोकेशिया की ये लीफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है गाइज एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है एलोकेशिया. ये है जीजी प्लांट और जीजी प्लांट पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, बट आई कॉल इट जीजी प्लांट. तो मैं इसको जीजी ही बोलती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है. ये देखिए छोटा सा स्नेक प्लांट छुपा हुआ सेंसीवेरिया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है गाइज. ये देखिए ये है सिल्वर एग्लोनीमा. काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है एग्लोनीमा लेकिन ये जो मेरी फेवरेट है वो है रेड एग्लोनीमा गाइस. रेड बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, एकदम कलरफुल और एकदम वाइब्रेंट कलर. इतना कलरफुल है कि सारे प्लांट्स के बीच में अलग से निखर कर आता है. एंड ये कुछ नए प्लांट्स हैं, ये है एलोकेशिया की जिसकी लीव्स बहुत ज़्यादा छोटी छोटी है. ये देखिए ये है स्नेक प्लांट एंड ये देखिए अगेन लिपस्टिक एग्लोनीमा गाइस रेड इन कलर. ये देखिए छोटे छोटे पॉट्स एंड ये देखिए ये है स्पाइडर प्लांट जिसको मैंने एक मिठाई के डब्बे पे रखा है गाइस. इफ़ यू वांट देन आप इसी तरह से आपकी जो खाली डब्बे हैं या फिर खाली बर्तन हैं उन सभी चीज़ों में आप प्लांट लगा सकते हैं गाइस. बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं एंड वेरी इजी टू ग्रो गाइस एंड वेरी इजी टू प्रोपागेट. ये जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट इसे मुझे एक अंकल ने दिया था तो मुझे लगा था कि ये मर जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड ये मर भी गया था. लेकिन दूसरे साल में पता नहीं ये खुद ही ग्रो हो गया एंड अभी तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है. मैंने बहुत ज़्यादा अभी ध्यान से रखा है गाइस क्योंकि जब भी हमें चीज़ें फ्री में मिलती है तो हम उन चीज़ों की कदर नहीं करते गाइस. एंड ये गलती मैंने भी की थी लेकिन अभी मैंने इनकी कदर की एंड ये मेरे पास इतने सारे अमाउंट में है गाइस. अभी बहुत सारे हैं गाइस एंड इजी टू प्रोपागेट है इसीलिए मैंने प्रोपागेशन की मदद से ग्रो किया है गाइस. मैं चाहती हूँ कि अभी मैं मतलब कि वाटर में भी ग्रो करना सीखूँ सब प्लांट्स को. सो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू टेक्निक दैट इज़ हाइड्रोपोनिक. ये देखिए गाइज इनको मैंने पानी पे रखा था एंड इनको मैंने आपको थोड़े दिनों पहले भी दिखाया था लेकिन जो क्रोटोन है इनकी रूट्स नहीं आई थी एंड फाइनली गाइज क्रोटोन की जो रूट्स है वो आ चुकी हैं. ये देखिए अब मैं 100% गारंटी देकर कहती हूँ कि ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं मरेगी. अगर आप चाहें तो आप सॉइल में मतलब कि इनको लगा सकते हैं. सो क्रोटोन की लीव्स देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है एंड ये देखिए इनमें भी काफ़ी सारी लीव्स मतलब कि रूट्स आ गई है एंड काफ़ी लंबी भी हो गई है गाइज. इसका नाम है बेबी टॉल प्लांट एंड सबसे ज़्यादा जो रूट्स आई है वो है इस लकी बैम्बू में. लकी बैम्बू को मैंने ये दो प्लांट्स के बाद में रखा था बट स्टिल इन दोनों प्लांट से सबसे पहले आ गई है. ये देखिए लकी बैम्बू इतने सारे रूट्स आ गए गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंड लकी बैम्बू को इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं आप. अगर आपके पास थोड़े से भी है तो आप थोड़े उनको बड़े होने दीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रोपागेट देम वेरी इजीली. ये देखिए इनके भी रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आ गए हैं. सो गाइस
दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी. आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए गाइज. स्टे कनेक्टेड. मैं आपके लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर वीडियोज़ लाती रहूँगी. तब तक के लिए बाय बाय गाइज. टेक केयर एंड स्टे सेफ. मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार और धन्यवाद कहना चाहूँगी मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. मैंने कभी नहीं सोचा था कि YouTube में मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा. हमेशा से ये डर था कि शायद कंटेंट पसंद ना आए लोगों को, लेकिन आप लोगों को कंटेंट पसंद आ गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस. चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक और नई वीडियो में एक और नए प्लांट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल.